हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम। वेलकम आपका मेरे चैनल पर। एक वेब सीरीज देखिए, नाम है मिस्टर प्लैंकटन। ये एक कोरियन सीरीज है जिसे देखकर जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस था इस सीरीज साथ, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या है बेसिक कहानी, क्या हमें सीरीज देखनी चाहिए भी नहीं, ये सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप की प्लेलिस्ट से जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। इस सीरीज़ को हिंदी के साथ बाकी लैंग्वेज के अंदर नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। इसके टोटल 10 एपिसोड है जिसकी पर रन टाइम है लगभग 1 घंटे के आसपास। यानी अगर आपके पास 10 घंटे का समय है तो ही आप जाके दोस्तों इस सीरीज़ को देखना, क्योंकि सीरीज एक लिमिटेड सीरीज है। यानी इसका पार्ट 2 नहीं आएगा, पहले यानी कि पार्ट के अंदर सीरीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इस सीरीज़ की कहानी के बारे में कि हमें सीरीज़ में क्या कुछ देखने को मिला है, तो कहानी है जो की जो हमेशा मौज मस्ती की तलाश में रहते हैं। वहीं जो लीड एक्ट्रेस है वो है जेमी, जो मतलब माँ बनने की चाह रखती है। वहीं एक और है जिसका नाम ह्यू योंग। भाई थोड़ा सा नाम बोलने में क्या अटपटा लगता है, इनके नाम है ना कुछ अलग टाइप के हैं। जब हे जो को पता चलता है कि भाई उसे ब्रेन ट्यूमर है, उसके बाद बहुत ही कम समय बचा है जीने के लिए, और वहीं दोस्तों वो एक खोज करता है अपने पिता की यानी उसके पास्ट की। इसके लिए वो मतलब मदद लेता है जेमी की, जिसकी शादी होने वाली है, और वो उसी दिन उसके साथ चल पड़ती है यानी उसकी एक्स। अब आगे इनकी लाइफ में क्या कुछ होगा, क्या उसे अपने पिता के बारे में पता चल पाएगा, उसके आखिरी पल उसके जो जीवन के उसके साथ कैसे बीतेंगे, उसके लिए आपको इस सीरीज़ को देखना पड़ेगा। यानी जो सीरीज़ की बेसिक कहानी ना ये है, ये एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज भी बोल सकता हूँ मैं, इस सीरीज़ को इमोशनल सीरीज भी बोल सकता हूँ मैं, इस सीरीज़ को एक ऐसी सीरीज बोल सकता हूँ कि जिसको आपको समझना पड़ेगा। यानी इसकी जो स्टोरी है ना उसको समझनी पड़ेगी, इसको फील करने के लिए आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा। मुझे सीरीज़ की सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले काफ़ी पसंद आया, ये मुझे एक इन्जॉयमेंट लगा। देखो कोरियन सिनेमा है ना, अब जो कंटेंट लेके आ रहे हैं ना वो कुछ नेक्स्ट लेवल का होता है। एक आम सीरीज नहीं होती इन लोगों की, ना ही आम फिल्में होती है, ये बहुत कुछ मिक्स कर देते हैं और दर्शक है वो इन्जॉयमेंट भी करते हैं। चाहे उनको लंबा समय दे दें, 3-3 घंटे दे दें, चाहे 10 घंटे दे दें, वो उसको टाइम पूरा देते हैं। तो भाई मुझे सीरीज एक बस ठीक ही ठाक लगी, लेकिन बस जैसे जैसे मैंने इन्जॉयमेंट किया तो मेरा जो रिव्यू बनता है वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। चैनल पहली बार आए हो मूवी का या सीरीज़ का रिव्यू ढूंढते हुए तो इस चैनल को भी सपोर्ट कर लो, यानी कि सब्सक्राइब। आपको मेरे चैनल में दोस्तों ऐसे ही कंटेंट देखने मिलते रहेंगे। मैं कोई बड़ी वीडियो नहीं बनाता हूँ, बस छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और समझाता हूँ कि सीरीज़ में क्या कुछ था। तो बस काम के लिए ना इस यानी इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना। मिलता अगली वीडियो में दोस्तों ऐसे ही एक और मूवी का सीरीज़ का रिव्यू और अपडेट लेकर।